हाय गाइस, व्हाट्स अप, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एजुकेटेड एजुकेशन। आई एम संकेत और आज के सेशन में आपका स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मतलब आज जो हमारा क्विज है वो है अबाउट, ये क्या है, हाँ, आज का हमारा क्विज है अबाउट हिस्ट्री का लेसन नंबर 2, विच इज हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द सॉरी हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। एंड हेलो समन। अच्छा, एक मिनट और रुकेंगे, जो बाकी लोग आएंगे उनके लिए रुक जाते हैं, और तब तक मैं भी अपनी बुक खोल लेता हूँ, ठीक है? ओके, हेलो मिष्टी। चलो, और कौन आ रहा है? इस चैप्टर के नोट चाहिए क्या किसी को? तो मैं वो अपलोड कर सकता हूँ इफ यू वांट। स्टार्ट करें यार, इसकी भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जीरो व्यूअर्स दिखाता रहता है, दो लोग रहते हैं तब। स्टार्ट करें, बताओ। बताओ बताओ, थोड़ा लाइव चैट में रिस्पांस चाहिए। बताओ जल्दी, स्टार्ट करें क्या? तीन लोग देख रहे हैं भाई, लाइव चैट में हाय डाल दो। तो सैंपल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जब तक सब लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो कहीं भी आ सकता है, जीके वगैरह कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड द करेक्ट आंसर आपको हमेशा याद रखना है, सर अलेक्जेंडर कनिंगम। ओके, सो द इंडियन आर्कियोलॉजिकल एंड रिसर्च स्टार्टेड अंडर द ब्रिटिश रूल के समय पर यह शुरुआत हुई थी। अ नंबर ऑफ एन एंशियंट साइट्स वर एक्सकेवेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ सर अलेक्जेंडर कनिंगम। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2, और ये सैंपल क्वेश्चन है, कोई छोड़ के मत जाना, इसके बाद क्विज शुरू होने वाला है, ठीक है? अमंग विमेन ऑथर्स राइटिंग अबाउट विमेन इन द 19th सेंचुरी, डैश वाज द फॉरमोस्ट वन। तो 19th सेंचुरी में वुमन ऑथर्स, जो कि महिलाओं के बारे में लिखती थी, इनके अंदर सबसे फॉरमोस्ट, मतलब सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? तो वो थी ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे रोट अटैकिंग द मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम एंड द कास्ट सिस्टम। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, चलो कौन बताएगा मुझे, द अर्लिएस्ट नोन रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल नेचर फाउंड इन इंडिया आर इन द डैश इंस्क्रिप्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा? द अर्लिएस्ट नोन रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल नेचर फाउंड इन इंडिया आर इन द डैश इन द डैश ऑफ इंस्क्रिप्शंस। बताओ। ए फॉर्म, बी सिस्टमैटिक, सी कार्व्ड, डी नन ऑफ द अबव। कौन बताएगा? यार आज जोश नहीं दिख रहा है यार, लाइव चैट में कुछ ना कुछ डालते रहो बीच बीच में। बताओ, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? एक्चुअली ये ओ नहीं, ऑफ होना चाहिए, ठीक है? ऑफ इंस्क्रिप्शंस आर इन द डैश ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ओके, हेलो स्नेहा, ऋतुजा आई मीन, सॉरी, ठीक है, इसका भी नाम लिख लेते हैं। सो एग्जाम्स खत्म हो गई, बताओ बाकी लोग, आंसर बताओ जल्दी। आर इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस, करेक्ट, यस। यार कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? ए फॉर्म, बी सिस्टमैटिक, सी कार्व्ड, डी नन ऑफ द अबव। यार जवाब दो, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? नॉट फिनिश्ड येट, अरे वाह, तो भी आई है। ओके ओके ओके, सो विच इज योर नेक्स्ट पेपर? अरे बाकी लोग, हेलो, ठीक
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, सो जो सबसे पहले वाले रिटन डॉक्यूमेंट्स थे तब पेपर तो हुआ नहीं करता था, तो इसीलिए वो स्टोन्स के अंदर इंस्क्रिप्शंस बना देते, स्टोन नहीं तो मेटल के अंदर वो कार्विंग करते थे। ठीक है, सो यू कैन से फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस। नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, एम्परर अशोकास एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन नेचुरल रॉक्स डैश पिलर्स, नेचुरल रॉक्स एंड डैश पिलर्स, सॉरी, एम्परर अशोकास एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन नेचुरल रॉक्स एंड डैश पिलर्स, बताओ ए मार्बल, बी वुडन, सी स्टोन, डी ब्रिक्स, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच टाइप ऑफ पिलर्स, मार्बल, वुडन, स्टोन या ब्रिक्स? ओके, सोशल साइंस। ठीक है यार, बाकी लोगों को क्या हो गया है, कोई आंसर क्यों नहीं दे रहा है? मिस्टी एंड समन, आर यू हियर? ओके ओके, बाकी लोग बताओ 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 यार, यहाँ पे तीन व्यूअर्स दिखा रहा है लेकिन जवाब एक भी नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, तीन व्यूअर्स दिखा तो रहा है ना, ये कभी भी ज्यादा व्यूअर्स नहीं दिखाता, ये कम ही दिखाता है, तो अगर तीन दिखा रहा है तो तीन तो कम से कम है, वो दोनों है यहाँ पे, मुझे पता है। ठीक है, तो अभी उनका रिस्पॉन्स नहीं आया है तो इसीलिए छोड़ देते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज स्टोन, स्टोन पिलर्स। ठीक है, यू डिडंट हैव एनी आइडिया सो इट इज नॉट योर मिस्टेक, बट अब सीख लो कि स्टोन पिलर्स और नेचुरल रॉक्स, इनके ऊपर एम्परर अशोका के एडिक्ट्स होते थे। एडिक्ट्स मतलब उन्होंने कोई भी अगर घोषणा की है, अगर कोई भी ऑर्डर दिया है तो उसको वहां पे कार्व करके लिखा जाता था, उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। थर्ड क्वेश्चन, सोहागोरा कॉपर प्लेट वॉज फाउंड इन डैश, सोहागोरा कॉपर प्लेट कहाँ पे पाई गई थी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? सोहागोरा कॉपर प्लेट कहाँ पे पाई गई थी, बताओ 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 बताओ। अब ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर थ्री। नहीं तुक्का गलत है, द आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो जो भी अब लाइव नहीं देख रहे हैं, जो भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, कि सोहागोरा कॉपर प्लेट एक इंस्क्रिप्शन था जिसके ऊपर कुछ चीजें लिखी गई थी, हमने ये पढ़ा हुआ है चैप्टर के अंदर, चैप्टर नहीं ठीक से पढ़ा हो तो नीचे प्लेलिस्ट दी है डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, उसमें सारे वीडियोस है। तो उत्तर प्रदेश में ये कॉपर प्लेट पाई गई थी। फोर्थ क्वेश्चन, द इंस्क्रिप्शन ऑफ सोहागोरा कॉपर प्लेट इज इन डैश स्क्रिप्ट, तो मैंने बताया हुआ है स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखने की स्टाइल, तो स्क्रिप्ट का मतलब लैंग्वेज नहीं होता, स्क्रिप्ट मतलब किस तरीके से लिखा गया है, तो क्या वो ब्राह्मी में लिखा गया है, अर्धमागधी में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है या फिर मराठी में लिखा गया है, विच इज द लैंग्वेज, ब्राह्मी, अर्धमागधी, संस्कृत या फिर मराठी? क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ यस समन, करेक्ट आंसर है बट थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ यूपी, वट विल बी द करेक्ट आंसर? फोर्थ क्वेश्चन, ब्राह्मी, अर्धमागधी, संस्कृत या फिर मराठी? हाँ समन, इस तरीके से ही आंसर करना नहीं है, ये ऋतुजा का देखो कैसे कर रही है, अकॉर्डिंग टू दैट प्लीज आंसर नेक्स्ट टाइम, लेकिन समन का करेक्ट आंसर है इसलिए एक पॉइंट मिलता है समन को, एंड ऋतुजा को संस्कृत लगा क्योंकि
रिलेटेड टू हिस्ट्री, लेकिन करेक्ट आंसर इज ब्राह्मी। ठीक है, अर्ध मागधी और संस्कृत दोनों एक जैसी भाषाएं होती है, मराठी आपको पता है, और ब्राह्मी ये भाषा स्क्रिप्ट में, भाषा और स्क्रिप्ट में डिफरेंस होता है, लैंग्वेज मतलब बोली जाने वाली आप कह सकते हो, और स्क्रिप्ट मतलब लिखने का स्टाइल, तो ब्राह्मी स्टाइल में लिखा गया था। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, इन द डायक सेंचुरी सीई, सीई मतलब क्रिश्चियन एरा, द हर्षचरित अ संस्कृत काव्य दैट इज पोयम अ हिस्टोरिकल बायोग्राफी इन नेचर रिटन बाय बाणभट्टा। तो बाणभट्टा ने हर्षचरित जो कि एक संस्कृत पोयम्स की एक बायोग्राफी है, वो कौन से सेंचुरी में थी? फिफ्थ सेंचुरी सीई, सिक्स सेंचुरी सीई, सेवेंथ सेंचुरी सीई या फिर एट सेंचुरी सीई, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर बताओ। हर्षचरित रिटन बाय बाणभट्टा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और ये कौन सी सेंचुरी में लिखी गई थी? फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ बताओ बताओ, व्हाट अबाउट समन, ओके हाँ हाँ ओके, हेलो मिष्टी, मिष्टी इतनी देर से आंसर क्यों नहीं कर रही थी? ठीक है देख लो, इन द डैश सेंचुरी सी द हर्षचरित अ संस्कृत काव्य दैट इज पोयम्स अ हिस्टोरिकल बायोग्राफी नेचर वाज रिटन बाय बाणभट्टा। बाणभट्टा ने हर्षचरित कौन सी सेंचुरी सी में लिखी थी? फिफ्थ सेंचुरी, सिक्स सेंचुरी, सेवेंथ या एट? और समन हाउ टू आंसर प्लीज, आंसर करने का तरीका, ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए प्लीज डोंट आंसर लाइक दैट। ओके, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ए फिफ्थ, बी सिक्स, सी सेवेंथ, डी एट, बताओ। यस, ओ हेलो ध्रुव, ठीक है, तो मिष्टी का करेक्ट आंसर है सिर्फ इस क्वेश्चन पे, एंड द करेक्ट आंसर, अच्छा समन का भी सही है वैसे, एंड द करेक्ट आंसर इज सेवेंथ सेंचुरी सी में ये बुक लिखी गई थी। चलो ध्रुव का भी नाम लिख लेते हैं, ध्रुव यू हैव टू आंसर हाउ मिष्टी हैज आंसर्ड, यू कैन सी। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, इन द 12th सेंचुरी सीई कल्हाना'स राज तरंगिनी बुक इज ऑन द हिस्ट्री ऑफ डैश। तो 12th सेंचुरी में लिखी थी कल्हाना ने राज तरंगिनी, ये किस पे बेस्ड किताब है? जम्मू, राजस्थान, महाराष्ट्र या कश्मीर, किस पे बेस्ड है राज तरंगिणी बताओ। ए जम्मू, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी कश्मीर, बताओ बताओ। सिक्स्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, अच्छा अच्छा हाँ करेक्ट है आंसर, एक सेकेंड, ध्रुव ने आंसर ही कब किया, करेक्ट कैसे होगा? ध्रुव वाय, हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम, हो सकता है। इन द 12th सेंचुरी कल्हाना'स राज तरंगिनी बुक इज ऑन द हिस्ट्री ऑफ डैश, किसकी हिस्ट्री पर बेस्ड है? ए जम्मू, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी कश्मीर, सिक्स्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। यस ओके, मिष्टी और ऋतुजा ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिए है, एंड समन मैंने बोला है प्लीज डोंट आंसर लाइक दैट, प्लीज यहाँ पे कंफ्यूजन नको है ना, इसीलिए बोल रहा हूं। ओके, 6D इज द करेक्ट आंसर व्हिच इज कश्मीर, इवन समन ने भी सही जवाब दिया है, बस द थिंग इज यार ठीक से आंसर करो, सो कश्मीर पे लिखी गई थी ये बुक। चलो 7th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इन द मिडिवल इंडिया द हिस्टोरियंस इन द कोर्ट्स ऑफ डैश रूलर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरबिक एंड पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी। मिडिवल इंडिया में मतलब मिडिवल पीरियड, शिवाजी महाराज के आसपास का पीरियड, ओके, तब हिस्टोरियंस किसके कोर्ट के हिस्टोरियंस अरेबिक और पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी से इन्फ्लुएंस हुए थे? ऑफ द हिंदू रूलर्स, जैन रूलर्स, मुस्लिम रूलर्स या फिर पारसी रूलर्स? ओके हेलो स्वयं, और कैसे आंसर करना है मैंने बताया हुआ है। यस ओके, और बाकी लोग, स्वयं ने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, स्वयं ने नहीं किया ठीक से पढ़ाई, और बाकी लोग उसकी कॉपी मार रहे हैं।
स्वयं टेक्स्ट बुक ठीक से पढ़ो, टेक्स्ट बुक ठीक से पढ़ो, सभी ने गलत दिया है, सिर्फ मिष्टी का सही जवाब है। यस एंड द करेक्ट आंसर इज मुस्लिम रूलर्स। तो मैंने आपको बताया हुआ है मिडिवल इंडिया मतलब शिवाजी महाराज के आसपास का पीरियड, तब एम्परर बाबर, एम्परर अकबर, एम्परर हुमायूं, एम्परर औरंगजेब, ऐसे एम्परर्स थे, ये सब कौन थे? मुस्लिम रूलर्स थे। तो द करेक्ट आंसर विल बी मुस्लिम रूलर्स। और इसमें क्या हुआ था, अरेबिक और पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी का एक मिक्सचर हुआ था। जैसे आपको पता है वो अपनी बुक में बहुत सारी फोटोज छापते थे, बहुत सारी बीच बीच में ही एक कोट्स पोएम्स वगैरह देते थे, ये सब पहले नहीं हुआ करता था। सो दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन इसका करेक्ट आंसर सबसे पहले देगा। अमंग द मिडिवल मुस्लिम हिस्टोरियंस डैश वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन। मिडिवल मुस्लिम हिस्टोरियंस में से, मतलब अभी अभी जिनकी बात हो रही थी उनमें से इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन कौन है? जियाउद्दीन परानी, बाबर, शाहजहां या औरंगजेब? यार ये तो बड़ा आसान है, कौन देगा करेक्ट आंसर सबसे पहले? ओके यार हद कर दी यार तुम लोग, हद कर दी, सच में हद कर दी। एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, बाबर हिस्टोरियन थे? बाबर हिस्टोरियन थे क्या? यार बाबर एम्परर थे, एम्परर हिस्टोरियन। शाहजहां, औरंगजेब और बाबर तो एम्पररर्स थे, राजा थे, और हिस्टोरियन थोड़े ही थे। जियाउद्दीन बरानी हिस्टोरियन थे। क्या कर रहे हो यार? सो जियाउद्दीन बरानी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दे वर नॉट हिस्टोरियंस, दे वर एम्परर्स। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस पे किसी का भी करेक्ट आंसर नहीं है। नहीं 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 नहीं, सब डिलीट कर करके वापस डालोगे, ऐसे नहीं चलेगा। नाइन्थ क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ मुगल एम्परर डैश की ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबरी, इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बैटल्स फाउट बाय हिम। तुजुके बाबरी किसने लिखी थी? अपनी खुद की बुक को ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, अपनी खुद की लाइफ पर बेस्ड, ठीक है, हिंदी में आत्मचरित्र कहते हैं इसको। तो कौन से मुगल एम्पायर के फाउंडर, कौन से राजा थे मुगल एम्पायर के फाउंडर, उन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था तुजुके बाबरी, और उन्होंने जो बैटल्स लड़ी थी उसके बारे में उसके अंदर डिस्क्रिप्शन था, किसने? ए जियाउद्दीन बरानी, बी बाबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। नाइन्थ क्वेश्चन, हाँ अब की ना सही बात। ओके ऋतुजा और ध्रुव के सबसे पहले करेक्ट आंसर से तो दोनों को एक एक पॉइंट जाता है, एंड द करेक्ट आंसर इज बाबर। अब यहाँ पे बाबर होगा ना, अरे स्वयं भाई क्या कर रहा है, स्वयं जरा सोच के देख। अभी मैंने बोला मुगल एम्पायर का फाउंडर, अब जियाउद्दीन बरानी हिस्टोरियन फाउंडर कैसे हो सकता है किसी एम्पायर का, है कि नहीं? लेकिन बाबर वॉज अ किंग, और तुजुके बाबरी तो बाबर से रिलेटेड लगता है, सो बाबर इज द करेक्ट आंसर। ओके बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी तुजुके बाबरी, बाबर ने खुद लिखी थी ये, रटो मत हिस्ट्री को, रटने के ये है ही नहीं सब्जेक्ट। टेंथ क्वेश्चन, डैश इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। अच्छा ये कौन बताएगा? ए बकर, बी कुरान, सी काव्य दैट इज पोएम्स, डी पोएट्री। डैश इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। टेंथ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके क्या होगा, क्या होगा, कौन बताएगा? डैश इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। ए बकर, बी कुरान, सी काव्य और पोएम्स, डी पोएट्री। ओके और बाकी लोग जवाब दो।
बाकी लोग जवाब दो। दो ही लोगों ने जवाब दिया अभी तक। एंड द करेक्ट आंसर इज ए विच इज बखर। यार क्या किसी ने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? यस करेक्ट आंसर इज ए बखर। तो बखर इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, आपको पता है। इंपॉर्टेंट कुछ बखर्स के नाम अगर मैं गिनाऊं तो भाऊ साहिबांचे बखर और कौन सी बखर्स थी भाई, यस पानीपत बैटल पे बेस्ड पानीपताची बखर, ठीक है। और कौन सी बखर थी, किसी को याद आ रहा हो तो लिख देना लाइव चैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बखर वॉज रिटन बाय कृष्णाजी आनंद सभासद, ओके। भाऊ साहेबांची बखर, सभासद बखर, होलकरांची कैफियत या पानीपताची बखर? कृष्णाजी आनंद ने कौन सी बखर लिखी थी? भाऊ साहेबांची बखर, सभासद बखर, होलकरांची कैफियत या फिर पानीपताची बखर? बताओ अभी ये क्या चल रहा है। हाँ ओके बताओ बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इलेवेंथ क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस एक और बार देख लीजिए। अभी सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिष्टी के पास है। जवाब दो जल्दी, मुझे जवाब चाहिए। अरे जल्दी जवाब दो ना रे बाबा, क्या हो रहा है? भाऊ साहेबांची बखर, सभासद बखर, होलकरांची कैफियत या पानीपताची बखर? कृष्णाजी आनंद ने कौन सी बखर लिखी थी बताओ। इलेवेंथ क्वेश्चन, सभी लोग आंसर करो जल्दी। अरे 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 ये क्या हो रहा है? बताओ जल्दी बताओ। कोई आंसर देने वाला है कि मैं ही बताऊं? सो जैसा कि आपको पता ही होगा द करेक्ट आंसर इज सभासद बखर, क्योंकि कृष्णाजी आनंद सभासद इनका पूरा नाम था। ओके एंड द करेक्ट आंसर इज सभासद बखर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, थ्री वॉल्यूम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिटन बाय डैश वर पब्लिश्ड इन 1817। सन 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की किताब के तीन वॉल्यूम मतलब तीन पार्ट किसने लिखे थे? एलेक्सेंडर कनिंगम, जेम्स मिल, जॉन मार्शल, विलियम जोन्स। बताओ 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, किसने लिखे थे? हाय महक, ओके महक यू आर फ्रॉम विच बोर्ड? कैन आई नो यू आर फ्रॉम विच बोर्ड? बिकॉज आपका नाम सुनकर लग रहा है यू आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड, एम आई राइट? बताओ बताओ। थ्री वॉल्यूम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर रिटन बाय डैश पब्लिश्ड इन 1817, अलेक्जेंडर कनिंगम, जेम्स मिल, जॉन मार्शल या फिर विलियम जोन्स? ओ यू आर फ्रॉम स्टेट बोर्ड, ओके। सो व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन बताओ। महक का भी नाम लिख लेते हैं।
बताओ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. ओके ओके ठीक है मिस्ट्री. नाउ व्हाट कैन वी डू, इंटरनेट नहीं चल रहा है तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर बताओ. हाँ यार आज काफी कम लोग आए हैं, कल इतने सारे लोग आए थे, मजा आया था सच में. महक व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टेल मी. थ्री वॉल्यूम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिटन बाय डैश वर पब्लिश्ड इन 1817. एलेक्जेंडर कनिंगम, जेम्स मिल, जॉन मार्शल, विलियम जोन्स. अरे आंसर भी करोगे या देखने आए हो. ठीक है तो करेक्ट आंसर मैं बता ही देता हूं अभी. करेक्ट आंसर है जेम्स मिल. ओके जेम्स मिल इज द करेक्ट आंसर. इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये किताब लिखी थी. 13th क्वेश्चन. इन 1841 माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन रोट डैश. तो माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन जो कि बहुत ही फेमस है स्पेशली मुंबई में, जहां पे उनके नाम का एक रोड भी है, एक कॉलेज भी है. ठीक है एल्फिंस्टन कॉलेज. सो 1841 में इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी. द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ द मराठा, द सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट. 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ. यस यस ओके ठीक है मैं क्वेश्चन एक और बार दिखा रहा हूं. इन 1841 माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन रोट डैश द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ द मराठास, या फिर द सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट. क्या लिखा था माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने बताओ. यस करेक्ट दोनों ने सही जवाब दिया है एंड द आंसर इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ये इन्होंने किताब लिखी थी. 14th क्वेश्चन. जेम्स ग्रांट डफ रोट डैश. अब जेम्स ग्रांट डफ ने कौन सी किताब लिखी थी. अ हिस्ट्री ऑफ द मराठास, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तारीख ए फिरोज शाही. जेम्स ग्रांट डफ ने कौन सी किताब लिखी थी बताओ. जेम्स ग्रांट डफ ने कौन सी किताब लिखी थी जल्दी बताओ जल्दी बताओ. 14th क्वेश्चन. अ हिस्ट्री ऑफ द मराठास, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तारीख ए फिरोज शाही बताओ. ओके व्हाट अबाउट महक. सो महक आर यू न्यू टू आवर चैनल. बताओ बताओ जल्दी से. यस मिस्टी का करेक्ट आंसर है. मिस्टी को एक पॉइंट मिलेगा लेकिन महक का आंसर अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्यों. ठीक है सो द करेक्ट आंसर इज अ हिस्ट्री ऑफ द मराठास. 15th क्वेश्चन. द फाइव वॉल्यूम्स ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश्ड ड्यूरिंग 1922 टू 1937 सीई आर डिस्टिंक्ट एग्जांपल्स ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी. ओह शिट यहाँ पे फिलअप ही नहीं है. ओके ये फिलअप होना चाहिए था एक्चुअली में, यहां तक ये फिलअप होना चाहिए था. ठीक है कोई बात नहीं. तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल चुका है, द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ठीक है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी का ये एग्जांपल है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 16th वाला. इन 1784 डैश फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ एट कोलकाता. ठीक है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में किसने फाउंड की थी. जॉन मार्शल, जेम्स मिल, विलियम जोन्स या फिर फ्राइडरिच मैक्स मलर. किसने की थी बताओ.
ओ इफ यू आर न्यू, तो सबसे पहली बात तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है, जरूर देख लेना। उसके अंदर से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा वर्ड टू वर्ड, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत लोगों के अच्छे रिव्यूज आए उस पे। ओके एंड यस, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? और सब्सक्राइब कर देना यार, नहीं किया हो तो। यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मिष्टी ने वापस करेक्ट जवाब दिया है, एंड द आंसर इज सी, विच इज विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता फाउंड की थी 1784 में। क्वेश्चन नंबर 17, डैश ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इनटू जर्मन लैंग्वेज। हितोपदेश को जर्मन लैंग्वेज ने किसने ट्रांसलेट किया? विलियम जोन्स, जेम्स मिल, जॉन मार्शल, फ्राइडरिच मैक्स मलर, किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ? हितोपदेश को संस्कृत से जर्मन में किसने ट्रांसलेट किया था? ए विलियम जोन्स, बी जेम्स मिल, सी जॉन मार्शल, डी फ्राइडरिच मैक्स मलर, बताओ। 17th क्वेश्चन। ओके इज इट रियली फ्राइडरिच मैक्स मलर? आर यू श्योर? क्योंकि टेक्स्ट बुक मेरे भी सामने नहीं है, तो मुझे लगता तो है ये सही होगा। ओके सो इट इज द करेक्ट आंसर, फ्राइडरिच मैक्स मलर। ओके इट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनलिस्टिक राइटिंग्स इन महाराष्ट्र वर इंस्पायर्ड बाय डैश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में नेशनलिस्टिक राइटिंग्स किससे इंस्पायर हुई थी? वीके राजवाड़े, स्वतंत्र वीर सावरकर, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, या फिर महादेव गोविंद रानड़े? आई थिंक यू नो द आंसर। 18th क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या होगा? नेशनलिस्टिक राइटिंग्स इन महाराष्ट्र वर इंस्पायर्ड बाय डैश, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? वीके राजवाड़े, स्वतंत्र वीर सावरकर, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, या फिर महादेव गोविंद रानड़े? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? 18th क्वेश्चन है ये, ठीक है? नहीं, गलत गलत गलत, वीके राजवाड़े नहीं, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, ठीक है? इनका नाम मेन है अगर टेक्स्ट बुक में देखे तो। ओके सो दिस इज द रॉन्ग आंसर, द करेक्ट आंसर इज विष्णु शास्त्री चिपलूनकर। इन्होंने जो बुक्स लिखी थी उसपे बेस्ट नेशनलिस्टिक राइटिंग्स महाराष्ट्र में लिखी गई थी उसके बाद, ठीक है? नाउ वी डी सावरकर, ठीक है, मतलब विनायक दामोदर सावरकर, रोट डैश बुक, कौन सी किताब लिखी थी इन्होंने? ये तो यार बहुत पहले भी था, मुझे लगता है 7th स्टैंडर्ड में भी था ये। क्या है इसका करेक्ट आंसर? करहेचे पानी, गुलामगिरी, हुवर द शुद्राज, या फिर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बताओ। 19th क्वेश्चन है ये, बताओ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? नाइनटीन्थ क्वेश्चन, क्या होगा करेक्ट आंसर? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ठीक है मैं ही बता देता हूँ, द आंसर इज द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो आपको पता है कि विनायक दामोदर सावरकर ये थे एक नेशनलिस्टिक राइटर, और नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी में गुलामगिरी और हुबर द शुद्रास तो मार्क्सिस्ट के कैटेगरी में आते हैं, और करहेचे पानी तो मुझे लगता है हमारी टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं है। सो द आंसर इज द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। लास्ट क्वेश्चन, डैश दिस बुक रिप्रेजेंट्स मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में कौन सी किताब आती है उस कैटेगरी में? प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, द अनटचेबल्स, फेमिनिस्ट एसेज इन सोशल हिस्ट्री, और राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर। विच बुक रिप्रेजेंट्स मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, बताओ। ओके हाँ ठीक है कोई बात नहीं, करेक्ट आंसर है।
और ये जो ऊपर वाले मैंने बताए थे ना, गुलामगिरी, हुवर द शुद्रास, दे वर इन द सबाल्टर्न हिस्ट्री, आई एम सॉरी, दे वर नॉट इन मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, दे वर इन सबाल्टर्न हिस्ट्री. ओके, विच बुक रिप्रेजेंट्स मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी? प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, द अनटचेबल्स, फेमिनिस्ट एसेज इन सोशल हिस्ट्री, राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर. वॉट विल बी द आंसर? यस, करेक्ट, करेक्ट आंसर इज प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी. तो ऑब्वियसली यू आर द ओनली वन टू विन, बाकी लोग तो बीच में ही छोड़ के गए. खैर, लेकिन करेक्ट आंसर है प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी. वैसे चार और क्वेश्चन है, ले ले के चार और क्वेश्चन या खत्म करें क्विज को, क्योंकि काफी टाइम हो गया है. आई कांट सी यू. वॉट वॉट डू यू मीन आई कांट सी यू? What do you mean? Webcam तो चल रहा है सही से. ले ले और चार क्वेश्चन. Are you here? ठीक है, चार और क्वेश्चन ले लेते हैं. Dash unfolded the history of the Shudrati Shudra communities in his book Gulamgiri. गुलामगिरी ये किताब किसने लिखी थी, जिसके अंदर शुद्र, अति शुद्र का मतलब, शुद्र मतलब लोअर, अति शुद्र मतलब बहुत ज्यादा लोअर, बॉटम मोस्ट रैंक्स के जो कम्युनिटीज थे उनकी हिस्ट्री किसने लिखी थी गुलामगिरी इस किताब में? 21st क्वेश्चन है ये. तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखी थी, महात्मा ज्योतिराव फुले ने लिखी थी, दामोदर कोसंबी ने लिखी थी, या फिर स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने लिखी थी? बताओ. Wait, this is not possible, I think. ऐसा तो नहीं हो सकता. मैं दिख तो रहा हूँ यार, क्या चल रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं. ब्लैक हो गया तो हो गया. चलो, क्विज से मतलब है ना, बताओ. 21st क्वेश्चन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गुलामगिरी, जिसके अंदर शुद्राति शुद्र कम्युनिटीज की हिस्ट्री लिखी गई थी, ये किताब किसने लिखी? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, दामोदर कोसंबी, या फिर स्वातंत्र्य वीर सावरकर? किसने लिखी थी ये किताब, बताओ. अरे अरे, क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा. आई थिंक यू शुड गो एंड कम बैक. यस, करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर, विच इज महात्मा ज्योतिराव फुले. तो इन्होंने लिखी थी गुलामगिरी ये किताब, जिसके अंदर शुद्राति शुद्र कम्युनिटीज की हिस्ट्री लिखी गई थी. ठीक है, 22nd क्वेश्चन, हु वर द शुद्रास वॉज रिटन बाय डैश. ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है यार. हु वर द शुद्रास किसने लिखी थी, बताओ. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, दामोदर कोसंबी, या फिर वी डी सावरकर? किसने लिखी थी हु वर द शुद्रास, बताओ. 22nd क्वेश्चन है ये. 22nd क्वेश्चन, हु वर द शुद्रास वॉज रिटन बाय डैश. डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, दामोदर कोसंबी, या फिर वी डी सावरकर? किसने लिखी थी हु वर द शुद्रास? ओके, हाँ ठीक है. अब दिख रहा हूं, बढ़िया. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हु वर द शुद्रास किसने लिखी थी? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, दामोदर कोसंबी, या वी डी सावरकर? 22nd क्वेश्चन, बताओ. वो कभी कभी स्लो इंटरनेट की वजह से ब्लैकआउट हो जाती है स्क्रीन, बताओ. फास्ट. ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन, ये 22nd चल रहा है. हु वर द शुद्रास वॉज रिटन बाय डैश. ऑप्शन सेम है लेकिन क्वेश्चन बदल चुका है. हु वर द शुद्रास किसने लिखी थी? बताओ. हु वर द शुद्रास वॉज रिटन बाय डैश.
सो द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने ये किताब लिखी थी हु वर द शुद्रास। दिस वॉज ऑल्सो फॉर द लोअर कास्ट पीपल की हिस्ट्री। ओके 23rd सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इन 1988 the High Caste Hindu Women was published। द हाई कास्ट हिंदू विमेन ये किताब किसने लिखी थी बताओ, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, ताराबाई या सावित्रीबाई। यार ये क्या ऑप्शंस है बताओ, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, ताराबाई या फिर सावित्रीबाई। द हाई कास्ट हिंदू विमेन 1988 ये साल में किसकी किताब पब्लिश की गई थी। अरे 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 इंटरनेट स्लो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है बताओ बताओ। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन क्या होगा करेक्ट आंसर। यस करेक्ट 23B पंडिता रमाबाई ने लिखी थी द हाई कास्ट हिंदू विमेन। ओके 24th लास्ट क्वेश्चन। इट कंटेन्स एसेज ऑफ द लाइफ स्टोरीज ऑफ विमेन लाइक डैश इज द ओके वेट ये नहीं गलत है, कुछ तो क्वेश्चन में गलत है। ओके वेट ये हटा दो, इसको स्ट्राइक आउट कर देते हैं, ठीक है चलो। डैश इज द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया। रखमाबाई, रमाबाई, ताराबाई या सावित्रीबाई। डैश इज द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया। इंडिया की पहली प्रैक्टिसिंग मतलब काम करने वाली लेडी डॉक्टर कौन थी, रखमाबाई, रमाबाई, ताराबाई या सावित्रीबाई, कौन थी। 24th क्वेश्चन है ये, बताओ 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 बताओ। 24th क्वेश्चन। डैश इज द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया। रखमाबाई, रमाबाई, ताराबाई या सावित्रीबाई बताओ। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन। ये और भी दोनों नहीं नहीं दूसरा है रमाबाई, रमाबाई अलग, रमाबाई मीन्स पंडिता रमाबाई और ये रखमाबाई है, सो इट कैन नॉट बी बी, इट इज ए, ठीक है। रखमाबाई वॉज द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आज का क्विज यहीं पे खत्म करते हैं, वही ना दोनों कैसे हो सकते हैं, ठीक है ओके तो खत्म करते हैं एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलेंगे कल हीट पार्ट 3 में।